चंदौली जनपद के साबागंज से है, जहां थाना क्षेत्र के जेगुरी गांव में मध्यरात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में आग लग गई और जब आग बढ़ी तो किसी तरह तो वहां सोए लोगों को अपनी जान बचा ली, लेकिन गृहस्थी का रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए हमारे चंदौली संवाददाता कार्तिकेय पांडे ने बताया कि साबागंज थाना क्षेत्र के जेगुरी गांव निवासी राजेश कुमार बिंद गांव में छप्पर डालकर रहते हैं। रविवार रात्रि में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में आग लग गई। किसी तरह राजेश व उनके परिजन वहां से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन छप्पर धू धू कर जल गया, जिसमें छप्पर में रखे खादान, नकदी व गृहस्थी के सारे सामान जलकर खाक हो गए। वही छप्पर के अंदर बंधे हुए मवेशी भी अधजले हो गए। चंदौली से कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। नाम और परिचय बताएं। हां, राजेश कुमार, ग्राम जेंगुरी। कहां के रहने वाले? जेंगुरी। अच्छा, ये कैसे आग लग गई? हमें पता नहीं है साहब, कैसे आग लगी है 12 बजे। कैसे आपको मालूम चला कि हमारे घर में आग लगी? हमारी लड़की जाकर बताई। अच्छा, इसी में सोए हुए थे आप? हम इसी में सोए हुए थे, बगल में। अच्छा,